हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जिन बच्चों का यूपीएसआई का 12 नवंबर 2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में एग्जाम है तो थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए। तो इस वाले वीडियो में लगभग हम लोग जीके जीएस और सामान्य हिंदी के 80 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें, इससे आने सारी नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग सामान्य हिंदी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। निर्देश प्रश्न संख्या 1 से 7 तक। गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में सबसे उचित विकल्प चुनिए। कुछ कहा जा रहा है, उससे कहीं महत्वपूर्ण होता है अपनी बात कहने का तरीका। आप कितनी ही जरूरी बात क्यों ना कहें, अगर आपकी बात कोई सुने नहीं, महसूस ही ना करे, तो उसे कहने का फायदा ही क्या। किसी के कहे को सुनने के लिए, उसे महसूस करने के लिए पूरा ध्यान केंद्रित करने की जरूरत होती है, और वही मिलता था मुझे उस महान संगीतक बीथोवन के स्वरों द्वारा पूरा ध्यान। आप पूछ सकते हैं कि आवाजाही और बातचीत के शोर से भरे किसी कमरे के दूसरे छोर पर बैठा कोई बच्चा उन 8 कोमल स्वरों को भला कैसे सुनता होगा। इस सवाल का जवाब तो कोई भी शिक्षक दे सकता है। ये स्वर तो वे बच्चे सुन पाते थे जो पियानो के बिल्कुल पास खड़े हों, और तब उनका स्पर्श दूसरों को आगाह करना था, पर कुछ ही क्षणों तेजी से फैलती वह खामोशी ही बोलने लगती थी, और जब तक आखिरी स्वर की गूंज खत्म होती सभी बच्चे शांत हो चुके होते हैं। वे खामोशियों से सन्नाटे याद रहेंगे मुझे। -7 क्या उसके भी कई कई सालों बाद भी। तो क्वेश्चन ये रहेगा गद्यांश का कि लेखिका के अनुसार अपनी बात कहने के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। ऑप्शन डी जो है आपका, बात कहने का तरीका। सो गाइस, अगला क्वेश्चन है कि संवाद तभी सार्थक होता है जब। संवाद तभी सार्थक होता है जब कहने सुनने वाले सक्रिय हों। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस, अगला क्वेश्चन है कि खामोशी ही बोलने लगती है से अभिप्राय है। तो इससे अभिप्राय है ऑप्शन सी। जब कुछ बच्चे धीरे धीरे बोलना बंद कर देते हैं तो बाकी बच्चों का पता चल जाता है कि उन्हें भी शांत होना है। चौथा क्वेश्चन है गाइस कि लेखिका के अनुसार एक शिक्षक अपने बच्चों को बहुत अच्छी तरह जानता है। महत्वपूर्ण शब्द है विकारी, यौगिक, ऋण, योगऋण। तो महत्वपूर्ण शब्द है यौगिक, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, ऑप्शन डी, बातचीत। सातवां क्वेश्चन है गाइस, इस सवाल का जवाब तो कोई भी शिक्षक दे सकता है। वाक्य में आए भी तो शब्द है, निपात, संबंध बोधक, क्रिया विशेषण, सर्वनाम, निपात। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं गाइस, प्यास का तत्सम रूप क्या होगा। सो गाइस, प्यास का तत्सम रूप होगा पिपासा, ऑप्शन बी। भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ। सो गाइस, भारत में आर्य भाषा का आरंभ जो है 1500 ईस्वी पूर्व हुआ, ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को -क्या कहते हैं, इसे संज्ञा कहते हैं। तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित वर्ग में एक शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, अशुद्ध वर्तनी को चिन्हित कीजिए। ऑप्शन सी, अंतर्गत। बारहवां क्वेश्चन है, बच्चे छत पर खेल रहे हैं, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में प्रयुक्त कारक बताएं। तो इसमें कारक हो जाएगा अधिकरण कारक, ऑप्शन डी। यह कमला की गाय है, कौन सा कारक है, कर्ता, करण, अपादान, संबंध। यह कमला की गाय है, ये कौन सा कारक है, इसमें हो जाएगा संबंध कारक, ऑप्शन डी। निर्देश प्रश्न संख्या 14 से 16 तक देख लीजिए आप लोग।
निम्नलिखित शब्दों के चार चार अर्थ दिए गए हैं, आपको सटीक समानार्थक शब्द का चयन करना है। ठीक है, अविज्ञ, तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए क्या आंसर होगा। अविज्ञ, जानकार, विच्छुक अभिनेता या नावा किफ। ऑप्शन ए जानकार। परिमल, सुख, सर्वोत्तम गंध, विमर्दन, सहवास। ऑप्शन बी सर्वोत्तम गंध। वरिष्ठ, तो भैया मेरे वरिष्ठ का अर्थ क्या होगा? तो वरिष्ठ का अर्थ होता है बड़ा। ऑप्शन ए। विमुख का विलोम शब्द क्या होगा? विमुख का विलोम शब्द क्या होगा? सो गाइस, विमुख का विलोम शब्द होगा ऑप्शन बी उन्मुख। अज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? अज्ञ का विलोम शब्द होता है विज्ञ। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में सूत सूत सुत शब्द का सही अर्थ भेद है? ऑप्शन सी धागा पुत्र। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सो गाइस, अगला क्वेश्चन है कि अर्क शब्द के आशय हैं। ऑप्शन डी सूर्य, मदार। अर्क शब्द का आशय क्या होता है? सूर्य और मदार। अगला क्वेश्चन है गाइस कि लालची शब्द में प्रत्यय होगा, तो देखिए लालची ई बड़ी निकल रहा है यहां पे, तो ऑप्शन डी कार्य प्रत्यय से निर्मित नहीं है। कार प्रत्यय से निर्मित नहीं है। ऑप्शन डी बड़प्पन। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, जो मेहनत करते हैं वह सफल होते हैं, किस तरह का वाक्य है? तो जो मेहनत करते हैं वह सफल होते हैं, किस तरह का वाक्य है? ये मिश्र वाक्य है। ऑप्शन ए। सो गाइस, अगला क्वेश्चन है, सदा सच बोलना चाहिए, यह किस प्रकार का वाक्य भेद है? सदा सच बोलना चाहिए, यह किस प्रकार का वाक्य भेद है? ऑप्शन बी इच्छावाचक। सो गाइस, अगला क्वेश्चन है, दीर्घ सूत्री का अर्थ क्या होगा? दीर्घ सूत्री का अर्थ, तो दीर्घ सूत्री का अर्थ होता है धीमी गति से कार्य करने वाला। ऑप्शन डी। सो गाइस, अगला क्वेश्चन है, जहां लोगों का मिलन हो डैश एक शब्द के क्रम में सही विकल्प चुनिए। सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमौली शब्द किस समास से बना है? तो चंद्रमौली शब्द किस समास से बना है? चंद्रमौली जो है ये बहुपरीय समास से बना है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, प्रश्न संख्या 28 से 29 के लिए देख लीजिए आप लोग। वाक्य को पढ़कर उस खंड का चयन करें जो व्याकरण अथवा शब्द ज्ञान के नियमों के अनुसार त्रुटिपूर्ण हो। यदि सभी खंड त्रुटिपूर्ण हो, यदि सभी खंड त्रुटि रहित हो, तो कोई त्रुटि नहीं को उत्तर के रूप में चुनिए। चार ऑप्शन आपके सामने, 28वां क्वेश्चन देखेगा आप लोग। ऑप्शन बी परंतु कार्यालय। 29वां क्वेश्चन देखेगा, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, ऑप्शन चूज करिए आप लोग। ऑप्शन बी संध्या काल के समय। अगला क्वेश्चन देखेगा, भाववाच का प्रयोग नहीं हुआ है। ऑप्शन सी, इसमें जो है भाववाच का प्रयोग नहीं हुआ है, मुझसे यह बोझ उठाया ना जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थान भरने के लिए चार चार विकल्प दिए गए हैं, इनमें से उचित विकल्प चुनिए। मुझे डैश है कि आप मेरे मनोभाव ना समझ सके। मुझे खेद है कि आप मेरे मनोभाव ना समझ सके। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अपनी खिचड़ी अलग पकाना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अपनी खिचड़ी अलग पकाना, मुहावरे का अर्थ होता है अलग होना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, सांप को दूध पिलाना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? सांप को दूध पिलाना, इसका मुहावरा होता है शत्रु का पोषण करना। ऑप्शन सी। निस दिन बरसत नयन हमारे, पंक्ति में रस है।
निस दिन बरसत नयन हमारे, पंक्ति में कौन सा रस होगा? वियोग श्रृंगार, ऑप्शन ए। 35 क्वेश्चन देखिएगा गाइस। छंद मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 6। छंद मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? तो छंद मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दोहा और चौपाई कैसे छंद हैं? तो दोहा और चौपाई ये मात्रिक छंद हैं, ऑप्शन ए इज राइट। अब यहां से देखिएगा आप लोग, प्रश्न संख्या 37 से 39 तक। प्रत्येक प्रश्न में एक शब्द दिया गया है जिसका संधि विच्छेद 4 प्रकार से किया गया है, इनमें से केवल एक ही विकल्प सही है। सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तो बहिष्कार, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? बहिष्कार, ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बहिष्कार। यदि पूछा जाए कि बहिष्कार में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, तो यहां पर हो जाएगी विसर्ग संधि। नाविक, नाविक की संधि विच्छेद क्या होगी? नाविक। नौ धन एक, ऑप्शन ए। दिगंबर, दिगंबर ऑप्शन सी। दिक धन अंबर, अगर पूछा जाए कि दिगंबर में कौन सी संधि है, तो आपको ध्यान में रखना है इसमें हो जाएगी व्यंजन संधि। उसका चेहरा खुशी से दमक उठा, वाक्य में रेखांकित स्थान पर कौन सा आएगा? ऑप्शन ए, यानी कि खिल उठा। सोगा जी, यहां से आपके मूल विधि संविधान और सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। तो क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला विशिष्ट और उत्कृष्ट डिजाइनों वाले कालीनों के उत्पादन और निर्यात के लिए प्रसिद्ध है? बदोई, ऑप्शन डी। 42वां क्वेश्चन, कुशीनगर बौद्ध लोगों का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, यहां डैश है रामभर स्तूप। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं गाइस। बंगाल का विभाजन 1905 से ब्रिटिश वायसराय डैश द्वारा किया गया था, ऑप्शन बी करजन। गाइस अगला क्वेश्चन है कि दिसंबर 1916 में दोनों पक्षों के संयुक्त सत्र में डैश संधि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ, ऑप्शन ए लखनऊ। अगला क्वेश्चन है गाइस कि भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में पंचायती राज प्रणाली को वर्ष डैश संशोधन में औपचारिक रूप दिया गया, 1992 में 73वें, ऑप्शन डी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं गाइस। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग एआरसी का गठन 31 अगस्त 2005 को डैश की अध्यक्षता में जांच आयोग के रूप में किया गया था, ऑप्शन सी वीरप्पा मोइली। गाइस अगला क्वेश्चन, संविधान सीईसी और चुनाव आयुक्तों के कार्यकाल की सुरक्षा निश्चित करता है, वे 6 साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किए जाते हैं या डैश वर्ष की आयु तक नियुक्त रहते हैं जो भी पहले हो? ऑप्शन बी 65। अगला क्वेश्चन है गाइस, निम्न में से कौन सी राजभाषा की शक्तियों में से एक है? ये हो जाएगा आपका, यह गैर धन विधेयकों पर विचार और अनुमोदन करता है तथा उन विधेयकों में संशोधन का सुझाव देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार 24 जनवरी 2019 को पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया, ऑप्शन बी शिक्षा। अगला क्वेश्चन है गाइस कि डैश एक प्रोग्राम या कंप्यूटर होता है जो सर्वर से जुड़कर जानकारी का अनुरोध करता है, एक्सेस ब्रिज क्लाइंट कैप्चा, ऑप्शन ए एक्सेस। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सो गाइस, क्वेश्चन है कि भारत की पराध्वनिक मिसाइल ब्रह्मोस की रेंज को प्रारंभ में मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था MTCR के शर्त के अनुसार 290 किलोमीटर पर कैप किया गया था। जुलाई 2018 में परीक्षण प्रक्षेपण के अनुसार इस एलिट क्लब में
भारत के प्रवेश के बाद इसकी रेंज को बढ़ाकर डेस कर दिया गया है। ऑप्शन सी 550 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है गाइस कि उपवास के बाद रक्त शर्करा का स्तर डेस होने की स्थिति को प्रोडायबिटीज माना जाता है। 100 से 125 गाइस। अगला क्वेश्चन है नारियल में रेशे और शक्तिशाली फैटी एसिड्स बहुत अधिक मात्रा में होते हैं जिन्हें मध्यम श्रृंखला डेस कहा जाता है। ट्राई ग्लिसराइड्स ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखेगा, क्वेश्चन है गाइस कि वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है। चिनाब, व्यास, सतलज, रावी। ऑप्शन सी सतलज नदी। गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, एशिया की सबसे बड़ी प्याज की मंडी ये कहां पर स्थित है। लसालगांव। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। सुचेता कृपलानी। ऑप्शन बी। दो व्यक्तियों के वार्तालाप में आवाज का डेसिबल स्तर होगा। ऑप्शन सी लगभग 30 डेसिबल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1 लीटर पानी में कितनी कैलोरी होती है। कोई कैलोरी नहीं होती। ऑप्शन सी ठीक है। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा, खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति वर्ष कौन घोषित करता है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय ये कहां पर स्थित है। शंघाई। विश्व पर्यावरण दिवस ये कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। चुनाव आचार संहिता के अनुसार चुनाव के समय किसका निषेध है। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी। सो गाइस भारतीय खाद्य निगम की स्थापना जो हुई थी 14 जनवरी 1965 को हुई थी, ये आपको ध्यान में रखना है ठीक है। जिस दिन भगत सिंह को फांसी दी गई वह शहीद दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 23 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं गाइस, भारत में कितने शहरों की आबादी 10 लाख से अधिक है। ऑप्शन बी 53। सो गाइस अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति मदिरा सेवन सर्वाधिक है। ऑप्शन सी केरल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हवा में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रधान रूप में विद्यमान है। नाइट्रोजन। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गैस अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है। इंद्र। ऑप्शन बी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि ऋग्वेद प्राचीनतम वेद है जिसमें 1028 सूक्त और 10462 रचनाएं हैं। ऋग्वेद के पढ़ने वाले ऋषियों को होर्त कहते हैं। इसमें सर्वाधिक वर्णन इंद्र का है। इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है, ये आपको ध्यान में रखना है। सो गाइस अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी ये कहां पर स्थित है। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी ये स्थित हैदराबाद में। ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए भारतीय राष्ट्रीय संस्थान है। यह अकादमी हैदराबाद में स्थित है। अकादमी की स्थापना 15 सितंबर 1948 को की गई थी। आईपीएस अधिकारियों के लिए पुलिस विषयों पर पाठ्यक्रम का संचालन करने हेतु उस्मानिया विश्वविद्यालय से संबंध है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है। उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, हमारे राज्य में 1090 को किस नाम से जाना जाता है। वुमेन पावर लाइन। घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा हेतु
अधिनियम ये कब लागू किया गया है? 2006 में लागू किया गया, ये आपको ध्यान में रखना है। भगवान बुद्ध की 200 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया गया है कुशीनगर से, ऑप्शन ए। दक्षिण पश्चिम संख्या की निम्न धाराओं में से किन में सत्र न्यायालय के समक्ष विचारण की प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन डी 225 से 237, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं गाइस। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कारावास के दंड की सजा पारित कर सकता है 7 वर्ष से अनधिक की। सो गाइस, अगला क्वेश्चन है कि अभ्याषिक अपराधियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति दंड प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत कार्यपालक मजिस्ट्रेट के द्वारा ली जा सकती है? धारा 110, यह आपको ध्यान में रखना है। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन है कि 10 वर्ष की अवधि तक के कारावास का दंडादेश निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया जा सकता है? सहायक सत्र न्यायाधीश, ऑप्शन सी। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की 125 के अंतर्गत भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है? ऑप्शन बी सहोदर भाई। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि धारा 145 दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन आदेश निम्न के संबंध में दिया जा सकता है। ऑप्शन बी किसी भी भूमि या जल की जिसके अंतर्गत फसलें एवं भूमि की उपज या लाभ भी सम्मिलित है।